हेलो स्टूडेंट्स, फोटोशॉप के हमने लेक्चर्स तो बहुत लगा लिए। अब एक मजेदार असाइनमेंट्स बनाते हैं इसकी। तो सबसे पहले एक जो हमने टेक्स्ट टूल किया हुआ है और जो लाइक ग्रेडियंट टूल किया हुआ है, इसको यूज करके हम एक अपनी असाइनमेंट बनाते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग सी असाइनमेंट बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने फाइल में गया, न्यू न्यू में जाके मैंने एक न्यू फाइल ली। अब बेसिकली ये जो फाइल है, मैंने एक फाइल ली। अब हम क्या करेंगे इसमें, मैं देखो ये आपका लेयर्स का है, अगर ये लेयर्स का नहीं शो हो रहा तो F7 करके आप लेयर्स को शो भी करवा सकते हो। F7 करोगे अगर आप FN के, अगर आप लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हो तो किसी की FN और F7 यूज होगा और किसी का अकेला F7 यूज होगा। तो ये आपकी ऑप्शन आ जाएगी लेयर्स की। यहाँ पे सबसे लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन होती है, ये एक लाइक हाफ सर्कल ब्लैक में है, हाफ सर्कल व्हाइट में है, एक ऑप्शन होती है आपके पास। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी। तो इसमें हमने सेकंड वाली ऑप्शन चूज कर लेनी है, ग्रेडियंट की। अब जैसे ही मैंने ग्रेडियंट चूज किया, मेरे सामने ये ग्रेडियंट आ गया। तो अब मैं यहाँ पे सबसे अपना पहला ग्रेडियंट चूज कर लूंगा। पहला ग्रेडियंट चूज किया मैंने, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा रेडियल। उसके बाद मैं इसका जो स्केलिंग है वो इसकी बढ़ा दूंगा, जितनी इसकी मैक्सिमम स्केलिंग है मैं उसकी उतनी स्केलिंग बढ़ा दूंगा। ठीक है, इसको आप एंगल वगैरह देके इसको एडजस्ट कर सकते हो, जहां कैसे भी एडजस्ट करना है। सपोज मैंने इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया, ओके किया। अब ये मेरा एक ग्रेडियंट बन गया। अब बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखूंगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हेलो, कैपिटल में लिखते हैं हेलो। अब इसको सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करके मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा, इसका व्हाइट कलर कर दिया मैंने इसका। और अगर आपको इसका कोई फॉन्ट वगैरह चेंज करना है या आप यहां से चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहली अपनी वीडियोस में बताया था, तो इस तरीके से आपने अपना फॉन्ट कोई चेंज कर लिया। कोई ऐसा फॉन्ट लगा देते हैं जो थोड़ा सा लाइक अच्छे से दिखे, इसको बोल्ड कर देते हैं। अब ये मेरा एक फॉन्ट लग गया। अब बेसिकली मैं क्या करूंगा, हमने ब्लेंडिंग मोड्स किए थे तो मैं राइट क्लिक करूंगा अपने लेयर के ऊपर जहां पे मैंने हेलो लिखा हुआ है, मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाऊंगा। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया हुआ था कि जो ड्रॉप शेडो है उसमें यहाँ पे मैं अपना ब्लेंडिंग मोड कर दूंगा नॉर्मल। मैं इसका जो ओपेसिटी है अपने अकॉर्डिंग, इसकी ओपेसिटी कम कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता हूँ। कम कर दूंगा तो ब्लैक कलर कम शो होगा, ज्यादा कर दूंगा तो ज्यादा शो होगा। इसका मैं जो साइज है मैं अप्रोक्सीमेटली कर देता हूँ इसका 29 पिक्सल। उसके बाद इसकी जो स्प्रेडिंग है मैं कर दूंगा 13 पिक्सल या 14 पिक्सल, और इसका जो डिस्टेंस है वो मैं कर दूंगा 15 पिक्सल, 16 17 जितना भी करना है। तो लाइक मुझे ये बेटर लगा। अब सपोज यहाँ पे मैंने अपने ड्रॉप शेडो में एक नॉर्मल किया, मैंने इसका ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं। उसके बाद डिस्टेंस मैंने किया इसका 17 पिक्सल, स्प्रेड किया 14 पिक्सल, साइज किया 29 पिक्सल, तो ओके किया। तो जैसे ही ओके किया, ये देखो मेरी जो लेयर है हेलो वाली लेयर, उसके ऊपर ये इफेक्ट आ गया ड्रॉप शेडो। अगर आप इसको यहाँ से हाइड करोगे तो हाइड हो जाएगा, शो करोगे तो शो हो जाएगा। ये मेरा ग्रेडियंट जो लगाया था, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं अपने ग्रेडियंट को वापस चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको चेंज करना है, इसको डिफरेंट वे से, अगर मुझे इसको लाइक थोड़ा सा एंगल वगैरह इसको डिफरेंट देना, तो मैं इस तरीके से इसको एंगल भी दे सकता हूँ, तो ओके किया। तो ये मेरा फिलहाल इतना बन गया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन की हुई है। अब मैं इस इमेज को, अगर मैंने इस इमेज दूसरे टैब के ऊपर ड्रैग करना है, तो मैं यहाँ से अपने मूव टूल को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं इमेज को सिंपल ड्रैग करके यहाँ पे ले जाऊंगा इस वाली विंडो के ऊपर। तो मैं ये बिल्कुल इसके पीछे लगा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब बेसिकली देखो ये आपकी इमेज वाली लेयर है, अगर मैं इसको हाइड कर दूंगा तो वो पीछे मेरा टेक्स्ट दिख रहा है। ये मेरी टेक्स्ट वाली लेयर है,
इसको हाइड कर दूंगा, ये मेरी ग्रेडियंट वाली लेयर है और ये मेरी सबसे बैकग्राउंड लेयर है, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब टेक्स्ट मेरा इसके पीछे है तो हमें इमेज को ऊपर ही रखना है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लेयर में जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक ऑप्शन होती है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो जैसे ही मैं क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक करूंगा, देखो वो जो मेरी इमेज है वो मेरी किस में एडजस्ट हो गई है, टेक्स्ट के बीच में एडजस्ट हो गई है। तो अगर आप इमेज को इस तरीके से यूज करोगे, देखो वो आपकी इमेज, आप किसी भी पोर्शन को आप अपना रोटेट करके, इमेज को रोटेट करके आप टेक्स्ट के ऊपर लेके आ सकते हो, तो देखो कितना लाइक एक बेटर टेक्स्ट लग रहा है। तो मीन्स इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को इमेजेस के बीच के, कोई भी इमेज को अपने टेक्स्ट के बीच में एडजस्ट कर सकते हो, राइट? तो ये कुछ लाइक एक असाइनमेंट है, आप ये जरूर करके देखो, इससे आपकी जो फोटोशॉप की प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब मैं कुछ और असाइनमेंट्स हैं, मैं पहले असाइनमेंट्स बनाऊंगा फिर मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा, मैं आगे 5-6 असाइनमेंट्स की वीडियोस अपलोड करूंगा, तो लाइक आप जरूर वॉच करो, इससे आपकी फोटोशॉप की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। थैंक यू।